आज जैसा कि कांग्रेस सरकार ने 5 गारंटियां दी है और उसके साथ ही उन्होंने कुछ प्रश्न भी अशोक जी गहलोत ने खड़े किए कि ईडी की जांच को लेकर भी उन्होंने कहा है। और मैं अशोक जी गहलोत से कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से उन्होंने 5 गारंटियां दी है, उन 5 गारंटियों का पहले उनको जवाब दे जो पिछले शासन के अंदर उन्होंने गारंटी दी थी। जब उनकी सरकार में आए, उससे पहले राहुल गांधी जी यहां पर आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन आज दिन तक वो संपूर्ण कर्जा किसानों का माफ नहीं हुआ और उल्टा 19,000 से अधिक किसानों की जमीन को नीलाम किया गया और दर्जनों किसानों ने कर्जे के अंदर दबकर अपनी आत्महत्या करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। युवाओं को कहा था कि हम 3,500 रुपए बेरोजगारी बता देंगे, लेकिन आज भी वो युवा सड़कों पे भटक रहा है। लेकिन अशोक जी गहलोत ने उन युवाओं का बेरोजगारी भत्ता आज दिन तक जो देना था वो दिया नहीं। और ये झूठ मूठ की सरकार जो राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल से यहाँ की जनता को गुमराह करके सत्ता में आई और अब भी वो यही चाहती है कि भविष्य के अंदर भी राजस्थान की जनता को हम गुमराह करके और सत्ता में आ जाए और राजस्थान की जनता को फिर से 5 साल तक लूटते रहे। और ये लूट वाली सरकार जिसने ये गारंटी करने की बात कही है कि हम किसानों से गोबर जो है वो खरीदेंगे और गोबर 2 रुपए में खरीदने की बात की, सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि 5 साल कहां गए थे, ये किसान तो यहीं पर थे और गाय भी यही थी, गाय का गोबर भी यही था। 5 साल तक इन्होंने गाय के गोबर की चर्चा नहीं की, लेकिन अब 5 साल बाद जब इनको वापस सत्ता में आना हुआ तो उनको गाय भी याद आई, किसान भी याद आया, गोबर भी याद आ गया। और उस समय कहां गए थे, जिस समय अशोक जी गहलोत जी इस प्रदेश के अंदर 9 लाख गायें मर गई लंपी की बीमारी से, और लंपी की बीमारी से 9 लाख गायें मरी और उस समय इन्होंने कहा था कि हम गायों के पैसे देंगे जो गायें मर गई उनको 40,000, 9 लाख में से सिर्फ 40,000 किसानों को जिनकी गायें मरी उनको पैसा मिला, बाकी के गायें जिनकी थी उन पशुपालकों का क्या दोष था, उन पशुपालकों को इन्होंने पैसा नहीं दिया। जो इनके कार्यकर्ता थे जिनकी कोई गाय मर गई तो उनको चिन्हित करके इन्होंने उनको पैसा दिया, उनके कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कैसे पैसा पहुंचे, ये उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। उन्होंने गायों की चिंता उस समय नहीं की, इन गायों के पाप उनको कभी माफ नहीं करेगा, इतनी लंपी के अंदर गायें मर गई, गायों का पाप कभी माफ करता ही नहीं, तड़प तड़प कर वो गायें मरती रही। लेकिन ये सरकार देखती रही, केंद्र सरकार ने उस समय कहा था जब ये लंपी की बीमारी प्रवेश हुई थी, उसी समय पुरुषोत्तम जी रूपाला जी यहां आए थे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि जितना पैसा चाहिए भारत सरकार देगी, तुरंत प्रभाव से इनके टीकाकरण करके इनको इस बीमारी को रोका जाए। 8 करोड़ रुपए उस समय दे दिए थे एडवांस में, लेकिन उसके बावजूद भी अशोक जी गहलोत केंद्र के ऊपर थोपते रहे। जिस तरह से उन्होंने कोरोना को भी केंद्र के ऊपर थोपने की कोशिश की, उसी प्रकार इन्होंने जिस तरह से गैस के सिलेंडर पर भी उन्होंने थोपने की कोशिश की थी गैस के ऊपर भी, तो इस तरह से अशोक जी गहलोत ने उस समय गायों का इलाज ना करवा के और सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करते रहे और आज पशुपालक और गाय उनको याद आने लगी है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से उन्होंने जिस तरह से किसानों के साथ में धोखा किया,
और अभी इन्होंने कहा है कि जिस तरह से अंग्रेजी मीडियम के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, इस शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। आज अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय इन्होंने खोले, पहली बात तो उन्होंने नया कोई खोला नहीं, वही जो हिंदी माध्यम के विद्यालय थे उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, और करने के बाद में इंग्लिश माध्यम के जो हमारे अध्यापक है उनकी कोई भर्ती नहीं की अलग से। अब हिंदी मीडियम का पढ़ने वाला अध्यापक या संस्कृत पढ़ने वाले, उसको कहा जाता है इंग्लिश के बच्चों को पढ़ाओ, और वो कैसे पढ़ा सकता है? इसलिए उन बच्चों के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया, इंग्लिश मीडियम खुलवाकर वहां पर अध्यापक भी लगाए। आज स्कूलों के अंदर क्या हालात है? स्कूलों के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक टीचर या दो टीचर, कॉलेज चलाने के लिए कॉलेज खोल दी लेकिन कॉलेज में टीचर नहीं, प्रोफेसर नहीं उनके वहां पर। कॉलेज के अंदर 10-10 कॉलेज के ऊपर एक प्रिंसिपल लगा रखा है, इस तरह से जैसे कोई दुकानें खोल दी। ये राजस्थान के अंदर शिक्षा का बंटाधार करने का काम अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया इन पौने 5 सालों के अंदर, और अब कहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम के अंदर बच्चों को पढ़ाएंगे। ये इंग्लिश के नाम पर पहले भी जो इन्होंने कोई इंग्लिश मीडियम की बात की है उसके अंदर भी युवाओं के साथ में जो भारत का भविष्य है उसके साथ इन्होंने शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ किया। जिस तरह से पहले इन्होंने कहा था कि हम स्कूल में किसी को फेल नहीं होगा हमारे स्कूल के अंदर, इन्होंने पहले ये जब यूपीए में थे उस समय भी कहा था किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा, उस समय भी इन्होंने ऐसे ही अनपढ़ को अनपढ़ रखने की बात की थी कि बिना स्कूल के हाथ लगा के आ जाएगा उसको पास मान लिया जाएगा, और अब भी वही यही कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम के अंदर स्कूल के अंदर टीचर होने पर बच्चा अनपढ़ जैसा ही रहे और भविष्य उसका बर्बाद हो जाए। इस तरह से इन्होंने इसके अंदर भी ये कहना चाहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोलेंगे। और दूसरा रही बात, उन्होंने गैस सिलेंडर की बात की कि हम 500 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर देंगे, कौन सा तीर मार लिया इस बात को कहकर उन्होंने। भारत सरकार आज भी जो 1100 रुपए का और 6 रुपए का जो सिलेंडर है उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहले से ही जो हमारे उनको 500 रुपए की सब्सिडी दे रही है। अभी आपने देखा होगा पहले ही उज्ज्वला गैस के अंदर उन्होंने कहा कि 200 रुपए तो अभी सब्सिडी माफ किया, सब्सिडी देने का काम किया है, और अभी भारत सरकार 500 रुपए ऑलरेडी सब्सिडी दे रही है, इसका मतलब 600 रुपए हुआ, और 100 रुपए का झुंझुना पकड़ा कर और वो अपनी बात को कहना चाहते हैं। भारत सरकार पहले से ही 500 रुपए की सब्सिडी नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है, और ये एक 100 रुपए की बात करके और राजस्थान की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ इन्होंने ओपीएस की बात की, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस प्रदेश के अंदर ओपीएस के नाम पर जिस तरह से कर्मचारियों के साथ में इन्होंने गुमराह करने का काम किया, ये ओपीएस का लाने का काम किसने किया? सबसे पहले तो मैं ये अशोक जी गहलोत से प्रश्न पूछना चाहता हूं और इसका जवाब अशोक जी गहलोत का देना चाहिए। जब वो 2010 के अंदर मुख्यमंत्री थे और उस समय उनके पास में वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के पास में था, उस समय ओपीएस के लिए रिकमेंडेशन किसने की थी? अशोक जी गहलोत ने स्वयं ने की थी, और उस समय केंद्र में भी सरकार अशोक गहलोत जी की ही थी, वहां पर यूपीए की कांग्रेस की सरकार वहां पर उस समय थी। तो ओपीएस को लागू करने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया था, और उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने ओपीएस की बात करके और जिस तरह से कर्मचारियों के साथ में उस बीच में जो समय हुआ उस समय के अंदर उनको किस तरह से परेशान होना पड़ा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने कर्म किए और अब वो वापस इस तरह से करके और जनता को और कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर ओपीएस को अगर लागू करने का काम किया तो यूपीए की सरकार ने किया था। और
पेंशन की जहां बात आती है, अभी ये कह रहे हैं कि हम पेंशन देने की बात है। वर्तमान में स्थिति तो ये है ओपीएस के अंदर, ये देने की भविष्य की बात कर रहे हैं कि भविष्य में हम करेंगे ओपीएस के अंदर, लेकिन वर्तमान के अंदर जो हमारे पेंशनर है उनको पेंशन मिल नहीं रही है। वर्तमान में पेंशन नहीं मिल रही है। ठेकेदार जो है उन ठेकेदारों को भी ये स्थिति, पैसा कह रही राज्य के खजाने में है नहीं, ठेकेदार को भी अगर किसी ने काम कर लिया तो वो आज भी उनके पास, उनको पैसा देने के पास इस राज्य सरकार के पास में पैसा नहीं है, और ये बात भविष्य की कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने चिरंजीवी के अंदर भी कहा कि हम आने वाले समय के अंदर आपदा के अंदर 15,000 रुपए देने की बात कही। मुझे ये कहना है कि पहले जो इन्होंने किया वो जो झूठ बोलकर सत्ता में आए, मैंने कहा ये सारी जो बातें हैं इन्होंने सत्ता में आने के लिए हर वो काम किया जो असत्य बोलकर इन्होंने सत्ता में आए। और मैं तो अशोक जी गहलोत से ये कहना चाहता हूं कि जब आप इतना सब कुछ देने की बात कर रहे हो तो मुझे आप एक बात बताइए कि राजस्थान के किसान ने क्या गुनाह किया था भाई? राजस्थान के किसानों के साथ में बहुत बड़ा धोखा करने वाली है सरकार। राजस्थान में किसान बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। बाजरा उत्पादन अगर देश विश्व में सबसे ज्यादा कहीं होता है तो हिंदुस्तान में होता है, और हिंदुस्तान में सबसे कहीं ज्यादा होता है तो वो राजस्थान में होता है। लेकिन राजस्थान का किसान अपने बाजरे को पौने पौने भाव के अंदर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा उसको। जब MSP भारत सरकार ने 2,500 रुपए कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के किसान को 1,200 और 1,300 रुपए में बाजरा बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा भारत सरकार के अंदर। मैंने कई बार अशोक जी गहलोत को कहा, मैंने स्वयं ने कहा कि राजस्थान के किसानों की बाजरा खरीदने के लिए भारत सरकार तैयार है। भारत सरकार अगर आप यहां से रिकमेंडेशन लिखकर आप भेजेंगे तो भारत सरकार बाजरा राजस्थान के किसानों का खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन आप चिट्ठी लिखकर भेजें। अशोक जी गहलोत ने आज दिन तक वो बाजरा खरीद करने के लिए चिट्ठी तक नहीं लिखी, जिसकी वजह से मेरे किसान को, राजस्थान के प्रत्येक किसान को कम से कम प्रत्येक बोरी के पीछे, एक क्विंटल के पीछे 1,200 से 1,300 रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि बाजरा पास के राज्य मध्य प्रदेश के अंदर खरीदा जा रहा था किसान का, या हरियाणा के अंदर बाजरे को 2,500 रुपए के अंदर किसान बेच रहा था MSP पर, गुजरात के अंदर बेच रहा था, लेकिन राजस्थान का किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन अशोक जी गहलोत इस बात को लेकर जिस तरह से किसानों को कह रहे हम उनका गोबर खरीदेंगे, पहले किसानों का बाजरा तो खरीदने के लिए रिकमेंडेशन भारत सरकार को भेजे। ये किसान विरोधी सरकार, ये युवा विरोधी सरकार, ये गरीब विरोधी सरकार, ये भ्रष्टाचार वाली सरकार। और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तब होती है, और जब भ्रष्टाचार की राजस्थान एक नंबर पर होता है और इनके ऊपर जब कार्रवाई होती है तब ये तिलमिला जाते हैं, और जब इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो एक बार क्या होता है, बंदरी होती है ना, बंदरी को जब बिच्छू खा जाता है ना, तब उसके क्या हालात होते हैं, पूरे जो पेड़ वो उछल कूद करने लग जाती है, और उछल कर कूद करके पूरे पेड़ के वो जो फल होते हैं उनको इधर उधर तोड़ के फेंक देती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। और वैसे ही हालात अशोक जी गहलोत के अब हो गए, और अब वो एक जगह दो जगह पर ईडी की कार्रवाई हुई तो आज उनको PC के अंदर गुस्सा आने लगा, गुस्से से बोल रहे थे कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई। मैं कहना चाहता हूं अभी तो एक दो बिच्छू खाए आपको बंदरी को, अभी तो आगे और कई अगर बंदरियों को इस तरह से बिच्छू खाना शुरू करेंगे तो पूरा बाग तिलमिला उठाएगा, पूरे बाग को ही आप उजाड़ देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये तो शुरुआत है, किसी भ्रष्टाचारी को हम नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय के अंदर भ्रष्टाचार करने वाले, नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था
ये पूरे देश ने उस समय उनको समर्थन इसलिए दिया था कि भ्रष्टाचार में पूरा देश उस समय डूबा हुआ था, प्रतिदिन अखबार की सुर्खियों में होता था भ्रष्टाचार। लेकिन उसके बाद में आपको कहना चाहता हूं कि उस समय भी कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज ये जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तो इनको, इनके ऊपर कार्रवाई हुई तो इनको तिलनाट होती है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से ईडी की कार्रवाई होना ये उन लोगों के साथ में न्याय है और भारत सरकार का कमिटमेंट है कि हम न्याय करने के लिए देश के अंदर आए हैं सत्ता में। आज उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर, जिस तरह से यहां पर सचिवालय के अंदर पैसा मिलता है, आरपीएससी के अंदर जाते हैं तो वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसके साथ ही आपने जिस तरह से भर्तियां होती है तो उसमें भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं हो रही है प्रतिदिन, कितने युवाओं के साथ में धोखा हुआ। और जिस तरह से धोखा हुआ पेपर लीक के अंदर, इतने जो हुआ आज उन लोगों के साथ में धोखा हुआ है, लगभग 80 लाख हमारे युवा साथी हैं, वो पेपर देने के लिए जाता है, उस समय सोच के जाता है कि मैं पेपर देके जा रहा हूं, देने के लिए जा रहा हूं, और लेकिन जब देकर पेपर वापस बाहर आता है उससे पहले उसको पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया। इस प्रदेश के अंदर 19 बार पेपर लीक हुए, 19 बार पेपर लीक होना, यानी कि आप सोच लो कि कितने युवाओं के साथ में धोखा हुआ होगा। उन युवाओं को न्याय देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, इसलिए जब ईडी की कार्रवाई हुई तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सिर्फ एक परिवार के लोगों को जिस तरह से उन्होंने, चाहे आरपीसी के अंदर हो, चाहे उन्होंने पेपर लीक करके जिनको जिस तरह से उन्होंने लाभ देने का काम किया, और इनके मंत्री, हर मंत्री भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, इनके विधायक दिन जिस तरह से लूट मचाए हुए थे, ऐसी लूट मची थी कि पूरे प्रदेश के अंदर, एक आपने बताया कि जिस तरह से शोले फिल्म आपने कई भाइयों ने देखी होगी, मैंने बचपन में देखी थी, उसमें कहते हैं कि वो कहता है कि बेटा रात को बेटे को कहते हैं सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। इस राजस्थान में ऐसे हालात है कि कहते हैं कि अगर किसी का काम करवाने के लिए जाना है, जाता है तो कहते हैं बेटा सो जा, वहां पर काम करवाना है तो करवा, वरना यहाँ पर कांग्रेस ही आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई पेपर लीक करने की बात आती है तो बेटा आप जल्दी से पेपर करके निकल जाओ वरना पेपर लीक करने वाला आ जाएगा। आज राजस्थान के अंदर ऐसे भ्रष्टाचार हुआ है, ये भ्रष्टाचार वाली सरकार, पेपर लीक करने वाली सरकार, किसान विरोधी सरकार। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ऐसा सुशासन चाहती है, और इसलिए राजस्थान की जनता ने परिवर्तन करने का मानस बना लिया है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अशोक जी गहलोत ने जिस तरह से खुले सांड छोड़ रखे हैं, इन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार के अंदर खुले सांड, जिसे मैं कह सकता हूं, इन्होंने खुले, जिस तरह से खुले सांड की तरह वो भ्रष्टाचार के अंदर कर रहे हैं, और इनके जिस तरह से प्रदेश के अंदर, मैंने पहले कहा ना जिस तरह से कि आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये सारा प्रदेश के अंदर ऐसे इनको संरक्षण देने का काम करने का काम इन लोगों ने किया है, और ये तुष्टिकरण करने वाली सरकार, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इन्होंने जो किया है ये भविष्य के अंदर राजस्थान की जनता, सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने का मानस बनाया है, और ये जो वादे इन्होंने किए हैं, ये जो जनता से इन्होंने कहा है कि हम फ्री में करेंगे, या इन्होंने जिस तरह से इन्होंने 5 घोषणाएं की है, ये सिर्फ झुंझुना है, और ये एक सिर्फ इन्होंने जो पिछले 5 साल पहले जिस तरह से राजस्थान की जनता के साथ छलावा किया था, वैसा ही एक छलावा जनता को दिखाने के लिए किया है। ये झूठ की सरकार है, झूठ मूठ की सरकार है। निश्चित रूप से अशोक जी गहलोत के ऊपर राजस्थान की जनता का विश्वास उठ चुका है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान की जो इन्होंने घोषणाएं की है, ये सिर्फ जनता को दिखावा करने के लिए और वोट बटोरने के लिए बनाया, लेकिन राजस्थान की जनता बहुत समझदार है,
और राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आने वाले समय में बहुमत देगी और जीता कर भेजेगी।